जाना हमारी जान हमारी आई एम सी, प्रीत हमारी जीत हमारी आई एम सी, आई एम सी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाँ से हाथ मिला ले पूछी है उड़ान सुनी, भाषा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मुर्दा में जान भाषा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मुर्दा में जान पूछी है उड़ान सुनी, जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती हमारी है, जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती हमारी है, आई एम सी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाँ से हाथ मिला ले पूछी है उड़ान सुनी, खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है, अमीर बनाती है, खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है, करोगे गर्मी ना अमीर बनाती है, आई एम सी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाँ से हाथ मिला ले पूछी है उड़ान सुनी, गुड एम सी दोस्तों, गुड एम सी। और अभी आपने देखा एक हम म्यूजिक के साथ गुड एम सी दोस्तों, बहुत शानदार म्यूजिक। और अभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी कंपनी का एक कंपनी के पेज पे ये म्यूजिक आया हुआ है और आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए, और सभी गाने इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैंने भी आज इस गाने को, इस गीत को बजाया। प्रमिता दास जी हैं जो हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं, गुड एम सी मैडम। और बहुत ही आपका मैं पर डे मीटिंग देखता हूँ, सुपरस्टार लेवल पे आप हैं, उसके बावजूद भी लगातार आप फील्ड में काम करती हैं। नगीना गुप्ता जी गुड एम सी हमारे जौनपुर से हैं, बबीता बोरा जी आपका आसाम से, जोरहाट से। और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ संजय पंडित जी, काफ़ी समय बाद आप नज़र आ रहे हैं, विजय सक्सेना जी गुड एम सी। तो फ्रेंड, कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय बाद फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ रहते हैं, कई लोगों ने अपनी आदत को बना लिया है, अपना जीवन ही बना लिया है। जो प्रोग्राम है जिंदगी एक बजे, इस प्रोग्राम को लाइव बना लिया है, और जैसा कि वो फॉलो भी करते हैं मुझे, जैसा मैं बताता हूँ कि आप 23 घंटा काम कीजिए और 1 घंटा आप चार्जिंग में अपने मोबाइल को लगा दीजिए। तो फ्रेंड, ये शिवानी काकोती जी हैं जो आसाम से हैं, और मैडम हमारे साथ और हमारी इस कंपनी के टूर में थाईलैंड में थी। अब इस पर भी कभी अभी चर्चा होगी कि कौन कौन लोग थे, काफ़ी संख्या में लोग थे। शिवानी काकोती जी हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, मुझे लगता है मुझे बातचीत करनी चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, और जैसा कि जानते हैं उस्ताद देवी जी फतेहपुर से हैं, गुड एम सी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आशीष कोहले जी भी आप वेस्ट बंगाल से हावड़ा से जुड़ चुके हैं, परवी डे राय जी भी जुड़ चुके हैं जो सिलीगुड़ी से हैं, बहुत ही बिजनेस को लेकर सीरियस है, और मुझे लगता है कि सारे सीरियस लोग जुड़ चुके हैं, और जो सीरियस नहीं है तो वो सीरियस आगे होंगे। तो तब तक मैं बातचीत शुरू करूं, और बातचीत आज मेरा कुछ खास आपसे बातचीत करनी है। परवेज खान जी जो
वाराणसी से हैं और बहुत ही ब्लास्टिंग लीडर हैं, और मैं वाराणसी आ भी रहा हूँ हम लोग पूरे टीम के साथ, हम सब आ रहे हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और मुझे बातचीत करनी चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि नए लोग भी जुड़ जाते हैं, और जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनको पूरे 60 मिनट बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जो व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो व्यक्ति है कौन। तो पूनम चंद्रा जी मैडम जुड़ चुकी हैं, और सबसे खुशी की बात है हिबा माँ हिबा खान मैडम भी जुड़ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि एक बार सभी को, जितने लोग लाइव हमें सुन रहे हैं, जिनको स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, जो वाचिंग में होंगे, अरविंद कुमार मिश्रा जी भी जुड़े हैं, नीवा ठाकुर जी क्या बात है, मैडम नीवा जी भी जुड़े हैं, अजय जायसवाल जी देखिए अभी क्राउन प्रेसिडेंट IMC के क्राउन प्रेसिडेंट भी लाइव में मौजूद हैं और अपने अपलाइन को सुनने के लिए। तो फ्रेंड यही होता है, यही चीज़ देखा जाता है कि आप बिजनेस को लेके कितना सीरियस हो। तो फ्रेंड लोग आ चुके हैं और मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए, और तो नए लोग जुड़ जाते हैं तो नए लोगों के लिए परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इस बिजनेस में परिचय नहीं देते तो आपको आपका बताना, जैसे बिजू चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं जो बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं। तो फ्रेंड बीच बीच में लोग अब आते रहेंगे, सूरज पाल जी भी जुड़े हैं जो चेयरमैन स्टार फतेहपुर से हैं, SP शर्मा जी के है ना टीम से हैं, और तो फ्रेंड मुझे बात करनी चाहिए, परिचय दे दूँ। नाम मेरा DN सिंह है और मैं IMC बिजनेस से हूँ, पिछले 7.5 साल हो गए, अभी 8 साल होने वाले हैं। तो पिछले 7.5 साल से इस बिजनेस में मैं सीरियस हूँ, बिजनेस को लेके बिजनेस को जी रहा हूँ, और इस बिजनेस को मैं इंजॉय करते हुए करता आ रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, ये जिंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है इस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के साथ साथ आपसे हम एक उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को आप लोगों में शेयर करें, क्योंकि मैं वीडियो को डिलीट करने वाला नहीं हूँ, बीच में मैं डिलीट कर रहा था लेकिन मैं डिलीट करने वाला नहीं हूँ। और हमारी बात कई लोगों का कॉल आया, सर आप वीडियो को मत डिलीट किया करिए, हमारी नौकरी है, हमारी मजबूरी है, हम रात को वीडियो आपकी सुनते हैं, सुनते जरूर हैं, तभी तो हमारा व्यू बढ़ता है। तो फिर मैं जो पता लग जाता है काफ़ी लोगों ने बाद में भी सुना, तो फ्रेंड और कई लोग शेयर भी करते हैं वीडियो को, कई बार आप लोगों को कॉल आया सर आप वीडियो को डिलीट मत किया करिए। मैं खासतौर से अपनी वीडियो को मैं जरूर डिलीट कर रहा था, तो फ्रेंड ये शायद लगता है मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन अब मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, और अपने टीम को आप शेयर कर सकते हैं, और क्योंकि कई बातें पता नहीं किसको कौन सी बातें अच्छी लग जाए, जैसे वंदना सरदार जी अभी जुड़े हैं IMC बिजनेस में, यानी लाइव मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी बीच बीच में लोग आते रहेंगे, और बीच में अब हम प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड जब मैं इस बिजनेस को, यही मेरा रहा इंट्रोडक्शन, बिजनेस को मैं 7.5 साल पहले जब जुड़ा तो IMC को जब मैंने सेलेक्ट किया, IMC को मैंने चुना, और राज चंदक जी भी आ चुके हैं लाइव में। तो फ्रेंड जब मैं इस बिजनेस को जब मैं जुड़ा तो उस समय हमारे पास कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, जैसे आज उग्रनाथ गोस्वामी जी को है, तो ये प्रॉब्लम क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ चुका था। मैं एक व्यापारी था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक, CNF का कारोबार था, लेकिन CNF का कारोबार धीरे धीरे मेरा समाप्त हुआ, मेरा जो व्यवसाय था धीरे धीरे ठप हो रहा था, क्योंकि बल्ब का फेल होने की वजह से, LED आने की वजह से मेरा बिजनेस में बहुत चैलेंज आया। तो मैं कुछ अलग करना चाहता था, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं कई लोगों से मुझे जानकारियाँ भी मिली थी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे एक बार नेटवर्क अगर खड़ा हो जाता है तो आपको आपका टर्नओवर लगातार मिलता रहेगा। जब लगातार टर्नओवर मिलेगा तो जब जहाँ से टर्नओवर आता है वो व्यापार ही कहलाता है ना, व्यापार कहलाता है। तो मैं तो टर्नओवर के कि अगर मैं यहाँ पे अपने कारोबार में मैं अकेला टर्नओवर करता हूँ, हमारे 40-50 डिस्ट्रीब्यूटर है वो मिल के टर्नओवर करते हैं, और यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर मैं काम करूँगा तो लाखों लोग हमारे साथ आएंगे, और लाखों लोग कुछ ना कुछ अपने लिए परचेज करेंगे तो हमारा टर्नओवर होगा, और जो काम करने वाले लोग होंगे जब वो अपना नेटवर्क बिल्डअप बना करेंगे तो मेरा टर्नओवर होगा। तो इस प्रकार करोड़ों का टर्नओवर किया जा सकता है, और साल में ऐसा होगा कि कई करोड़ का टर्नओवर होगा। इस लालच में मैं जुड़ा, और जब टर्नओवर होगा तो सीधी सी बात है बिजनेस वैल्यूम बनेगा, बिजनेस वैल्यूम बनेगा तो स्लैब के आधार पे हमारी इनकम निर्धारित होगी। तो स्लैब के आधार पे हमारी इनकम निर्धारित होगी, तो पहला जैसा लेवल 10% का होता है, दूसरा लेवल 20% का होता है, मतलब 15 होता है फिर 20 होता है, और एक लेवल होता है 25% का। तो मैंने शुरुआत में ही 25% के लेवल को अचीव किया 15 दिन में, और काम की शुरुआत ही 5,000 का मेरा पहला पेआउट था, जो पेआउट ये बढ़ते हुए क्रम में जब ये बढ़ता गया तो पेआउट ये मैं कह दूं कि लाखों में पहुंच गया, और सालाना करोड़ों में इनकम पे मैं पहुंचा इस बिजनेस में। और सबसे खुशी की बात यह कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, जिन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ काम किया, जो लोग हमारी बात को मानते रहे, क्योंकि मैं अप्लाइंस से सीखता रहा, कंपनी से मैं सीखता रहा, अप्लाइंस से सीखता रहा, नीचे टीम को मैं बताता रहा,
और जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, जो लोग हमारे साथ, हमारे कहते नहीं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार डीएन सिंह आपके तो अंधभक्त बहुत है, तो ठीक है मैं दोस्त मैं मानता हूँ जो हमारे अंधभक्त है आज वही तो हमारे अचीवर है, जो अंधभक्त नहीं बने आज अचीवर भी तो नहीं है, आज वो पूरी जिंदगी ताकत लगा देंगे तो खुद की भक्ति से तो उनके पास कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ये बिजनेस ही ऐसा है कि अपलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं आज हम एक बार नाम लेना चाहेंगे डॉक्टर अजय जी शर्मा और आदरणीय जसवीर सर जी, मैं ये दोनों लोग जो बोलते हैं मैं वही मानता हूँ, जो कह देते हैं इफन पटकट कुछ नहीं, जो कहते हैं मैं सुन लेता हूँ। तो कई लोग कहते हैं अरे यार आप तो एकदम अपलाइन के लिए एकदम अंधभक्त बने, जो कह देते हैं आप मान लेते हैं। तो फ्रेंड यही हमारी भक्ति है और यही हमारी भक्ति जिसकी वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, और जिन लोगों ने हमें हमें फॉलो किया वो भी क्राउन प्रेसिडेंट बने। तो फ्रेंड ऐसी भक्ति करने से अगर घर में लाखों रुपये आता है तो फ्रेंड वो गिरगराने वाली जिंदगी से तो ये भक्ति अच्छी है, वो गिरगराने वाली जिंदगी से, वो चुभने वाली जिंदगी से, वो समझौता करने वाली जिंदगी से तो जिंदगी अच्छी है। कि चलिए हम पूरे जीवन हम सबके साथ समझौता करें तो किसी एक आदमी के समझौता कर लेने से मेरी लाइफ चेंज होती है फ्रेंड। तो मैंने चेंज किया, जब चेंज किया तो परिवर्तन आया और आज बड़ा मजा आ रहा है कि फ्रेंड की अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए बहुत मजा आ रहा है। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी बात करते हैं, आपके सामने मैं फेसबुक पेज पे हूं जहां पे आज हजारों लोग हैं यहां पे मौजूद हैं। अभी देखिए हमारे क्राउन प्रेसिडेंट जो मिस्टर राजेश गुप्ता जी है, जो आज इनकी पहचान इनकी मुस्कुराहटों की वजह से है, तो आज राजेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, एक क्राउन प्रेसिडेंट है उसके बाद भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो 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 चूरन छाप लोग हैं जिनके पास अभी कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर उनको बता दे तो उनके पास टाइम नहीं है, उनसे पूछेगा टाइम नहीं सर टाइम मेरे पास नहीं है, है ना। अगर उनको कहीं से टाइम हम खरीद के भी दे दें तो उतना तेज खर्च कर डालेंगे, फिर पूछेंगे टाइम, कहीं टाइम नहीं है। तो उनसे पूछिए पैसा है, तो कहीं पैसा भी नहीं है। तो है क्या तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम्हारे पास है क्या? तो है वही एक मोबाइल जो पुराने जिसका स्क्रीन टूटा हुआ, जिसको हम पूरे दिन भर हम उसको खेलते रहते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है। मुझे कभी तकलीफ होती है कि सर नहीं सर दिन में एक घंटा टाइम क्या करते हो? सर करता कुछ नहीं, बस अपना टाइम पास करता रहता हूं। तो ऐसे लोग, तो दोस्त ये जो मैंने पेज जब से मैंने बनाया डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, ये पेज मेरा नहीं है, ये पेन आईएमसी के वो 100 क्राउन आई हमारे सॉरी वो आने वाले समय में क्राउन प्रेसिडेंट ही बनेंगे, मेरे मुंह से निकल गया है। ये आईएमसी के जो हमारे अभी चेयरमैन स्टार हैं, मेरे जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो चेयरमैन स्टार हैं, जो कभी हम अकेले खुद चेयरमैन थे और लाखों रुपए की इनकम ले रहे थे, और आज हमारे सैकड़ों लोग हमारे साथ चेयरमैन बन गए, कई क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, जिसमें कि अगर मैं नाम लूँ तो नाम लेते हुए बहुत बहुत फख्र होता है, गर्व होता है दोस्त, जिसमें कि एक हमारे राजेश गुप्ता जी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो फिर वही स्माइल मुस्कुराता चेहरा मिस्टर अजय जायसवाल जी हैं, जो आसाम की धरती से हैं। तो तीन क्राउन प्रेसिडेंट है, कई हमारे एम्बेसडर स्टार हैं कि अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन एक बार ये जितने भी हमारे चेयरमैन एम्बेसडर स्टार हैं ये सभी के सभी आने वाले समय के क्राउन प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये वही क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे जो अपलाइन को फॉलो करेंगे, जो नहीं करेंगे तो दोस्त ऐसा नहीं कि मेरा जीवन चार दिन की है, ये मैंने पहले ही बताया कि 104 साल मैं पूरा करने वाला हूँ इस धरती पे, और मैं अपनी आंखों से सब चीज़ देखूंगा कि देखिए कि कैसे जो लोग फॉलो करते हैं वो कैसे उनका ग्रोथ होता है, और जो फॉलो नहीं करते उनकी हालत क्या होती है। तो फ्रेंड ये मैं देखने वाला हूँ। तो ये पेज को मैंने जब बनाया तो लोगों ने इसको फॉलो किया, अपने टीम को लोगों ने प्रमोशन किया, लोग इस पेज पे आए, और लगातार हम तो कहते हैं कि आपको पता नहीं क्या जानकारी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन एक घंटा चार्जिंग करने के लिए, खुद को चार्जिंग करने के लिए एक घंटा काफी है। अगर एक घंटा में चार्जिंग आप रोज, आप देखो ना कि आपका रूम के अंदर आप चाहे रहो ना रहो, लेकिन झाड़ू तो उसमें लगाने ही पड़ते हैं 24 घंटे में एक बार, उसकी सफाई तो करनी पड़ती। इसी प्रकार हमारे दिमाग, जैसे हमारे रूम में वायरस पहुंचता है इस तरह हमारे दिमाग के अंदर वायरस पहुंचता है। और एक आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है कि डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे एक घंटे में आ जाना और कुछ बातें को सुनना, उसमें से कुछ बातों को सिलेक्ट कीजिए, जो बात हमारी अच्छी लगे उसको आप कॉपी कीजिए, जो आपको बुरी लगे वो हमें आप वापस कर दीजिए, हमें बता दीजिए सर ये बात मुझे बुरी लगी ये मुझे आप वापस कर सकते हैं, बता सकते हैं व्हाट्सएप लिख दीजिए सर ये बात आपको नहीं कहना चाहिए था, ताकि मुझे भी लगे कि यार मैंने क्या गलत बोला, है ना, तो आप मुझे वापस कर दिया करिए, ठीक है जी। और थोड़ा सा ये जब वापस करते समय थोड़ा सा एक प्रण भी लीजिए कि सर इस बात को मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मैं भी आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ,
इसलिए मैंने ये सुझाव दिए आपको, क्योंकि टीम की सुझाव बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड ये रहा हमारे पेज के बारे में। अब तीसरा मैं बात करता हूँ जो मेन आज का मेरा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से पहले मैं एक और बात कर लूँ। इसमें से बहुत सारे लोग, मैं बता दूँ अभी मैं लौट के आया हूँ, क्या बोलते हैं आपका फुकेट से, फुकेट पड़ता है थाईलैंड में, जरा समझिएगा। कई लोग किताबों में, कई लोग गूगल पे, कई लोग गूगल मैप पे थाईलैंड का नक्शा ढूंढते रहते हैं। तो फ्रेंड जब मैं फुकेट फुकेट के बारे में सुनता रहता था तो मुझे भी लगा कि यार थाईलैंड तो मैं 3 बार जा चुका हूँ, मैं बैंकॉक जा चुका हूँ और पटाया जा चुका हूँ, तो ये जो फुकेट क्या है, आखिर थाईलैंड है, अब थाईलैंड में फुकेट है। तो दोस्त जब भी मैं वहाँ पे भी गया तो हिंदुस्तान से काफ़ी संख्या में लोग गए थे, बॉम्बे से लोग गए थे, दिल्ली से लोग गए थे, हम लोग कलकत्ता से थे, और मैं बहुत लकी था कि हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय अजय जी शर्मा, जो डॉक्टर अजय जी शर्मा हमारे साथ में ही थे, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर अजय जायसवाल जी भी साथ में थे, हम लोग बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, और हमारे टीम के काफ़ी संख्या में लोग थे जिन लोगों ने लेवल को मतलब अचीव किया था, मतलब लेवल तो अचीव किया ही थे, जो उन्होंने ऑफर को अचीव किया था और विदेश का टूर का ऑफर था। और दोस्तों मैं फुकट गया तो मैंने जो चीज़ें मैंने देखा, रहा तो नहीं गया मैं, चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का बस सिर्फ हम आप लोगों से मिलने तक का मैंने एक सहारा, एक जरिया बनाया है कि मैं आपके तक पहुँचूँ, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। दोस्त मज़ा ये आ रहा था वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे देखा लोगों को, काम करते लोगों को देखा, लोगों को वहाँ पे ड्रीम देखा, वहाँ के लोकल जो इंसान है मैंने उनसे भी मैं मिला, उनसे मैंने बातें की, और जो लोग इंडिया के लोग जाके वहाँ पे बसे हुए हैं उनका जो इनकम का जो सोर्स है, इनकम का जो जरिया है, वो बहुत ही शानदार है। फ्रेंड वो जो भी काम करते हैं वहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं, और मैं बताऊँ कि मुझे कहते हुए बहुत फख्र होता है कि वहाँ पे महिलाओं के अंदर जो काम करने जज्बा है, मर्द तो दिखाई नहीं दे रहे थे, महिलाएं हर सेक्टर में, हर जगह महिलाएं दिख रही थी, तो महिलाएं काम कर रही थी। जैसे आज महिलाओं के अंदर भी इंडिया में रुझान आया, महिलाएं भी हर सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही हैं और एक टॉप लेवल पे है, अगर आईएएस में भी है, आईएएस अधिकारी भी है तो टॉप लेवल, किसी भी सेक्टर में, आज राजनीति में भी महिलाएं हैं तो वहाँ पे भी टॉप लेवल पे है। तो फ्रेंड इस तरह मैंने वहाँ पे देखा, और जो नज़ारा देखा कि समुद्र के बीच में पहाड़ और पहाड़ के बीच में जीभ, और उसमें मैं वहाँ पे जब मैं पहुँचा अपनी आंखों देखा, लोगों ने बताया कि यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं, तमाम कैसी कैसी बातें, तमाम चीज़ें, लेकिन वहाँ देख करके एक अद्भुत नज़ारा था दोस्त, मैं बयां तो नहीं कर सकता। और उस पहाड़ के बीच में एक ऐसी आबादी की, एक इंसान वहाँ पे जा कर के अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ वहाँ जा कर के वो लोग वहाँ बसे थे, और वहाँ पे जब मैंने देखा कि जो 2 लोग मिलकर के जो परिवार था, आज वो परिवार हज़ारों लोग बन चुके हैं, हज़ारों लोगों का परिवार है, और उस परिवार को देखने के लिए, मिलने के लिए लोग फुकेट जाते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया कि देखिए कि हम समुद्र में भी आकर के हम व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आज उनका बड़े बड़े आज होटल्स हैं, आज वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, और मतलब क्या तहजीब है। तो फ्रेंड हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये तो आपको भी जाना पड़ेगा, अगर सब सारी बात मैं बता दूंगा तो आप शायद अचीव भी नहीं करेंगे, आप जाएंगे भी नहीं। तो फ्रेंड आप इसको अचीव करिए, आप थाईलैंड का टूर, अभी थाईलैंड का फिर टूर है, बैंकॉक का टूर है, आप में से जो लोग हैं, जैसे कि आपको पता है कि क्या ऑफ़र है और ऑफ़र के बारे में आपको पता है, और नहीं पता है तो अपने अपलाइन से जानकारी लीजिए कि आप कैसे जा सकते हैं थाईलैंड, बैंकॉक कैसे जा सकते हैं, उस ऑफ़र की जानकारी लीजिए। दूसरा मैं बात करूँ कि हमारे देश में ही वैसे ही एक सीन देखने को मिलता है, गोवा। मैं कभी बचपन में सुनता था गोवा, गोवा के बारे में गोवा, और कई लोग तो जो अभी नहीं गए हैं, जो अपने ही शहर के ही हैं, कहते हैं गोवा मतलब विदेश, नहीं, गोवा इंडिया के अंदर ही है, लेकिन ऐसा नज़ारा वहाँ पे जो IMC के जो चेयरमैन स्टार हैं उनके लिए बड़ा आसान है गोवा जाना, गोवा जाना बहुत आसान है, और लोग अपने स्टोर को डाल करके गोवा जाएंगे, अपने टीम में जितने ज़्यादा लोग स्टोर ओपन करेंगे तो गोवा लोग जा सकते हैं। ये भी ऑफ़र अपने अप्लाइंस से आप कंफर्म करें, आप चेयरमैन हैं तो खुद आपको जानकारी है, कंपनी के सारे पोस्टर्स आते हैं, आप जानकारी बढ़ाएं और गोवा जरूर चलें। अब मैं भी गोवा में मौजूद रहूँगा, मैं भी गोवा आ रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं जो गोवा आ रहा हूँ, हमारी वहाँ पर टीम धीरे धीरे टीम खड़ी हो गई है, हमारी टीम बन चुकी है, और वहाँ पे मुझे मीटिंग भी करना है, कंपनी की मीटिंग अलग होगी, हमारी मीटिंग अलग होगी, और हमारे टीम से जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे नेटवर्क से, वो सभी हमें ज़रूर बताएंगे कि आपकी भी टीम क्या गोवा में है, तो उनके साथ हमारी प्लानिंग होगी और हम बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। तो ये रहा फ्रेंड विदेश के बारे में, टूर के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज समस्याओं को लेकर के, कि सबसे बड़ी बात यह है
कि आज कई लोगों के पास कई समस्याएं होती है। पहली समस्या अभी आ गई है, कई लोगों का लगातार कॉल आ रहा है, कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं। देखिए, उनके पास लाइव में आने का समय नहीं है, लाइव में आने का समय नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे समस्या भेजने का उनके पास टाइम है। वो हमारी बात को लाइव में, जो मैं बातें पूरी बताने वाला हूँ, मैंने उनको बोला भी था कि आप लाइव में आइएगा, हम आपकी हर समस्या के समाधान हम बताएंगे। तो अभी पहले अभी समस्या क्या आ गई, जबकि समस्या नहीं है हमारे लिए, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं। ग्रोथ क्या करना चाहते हैं, जो आगे के लिए बढ़ना चाहते हैं। अभी एक समस्या आ गई है कि IMC के द्वारा बहुत सारे स्टोर ओपन किए गए, जो कि हिंदुस्तान में लाखों संख्या में जो एक्टिव है, अभी लगभग 65,000 से 70,000 एक्टिव है। तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास स्टॉक कम हो गई है। 30,000 के से स्टॉक उन्होंने 30,000 से उन्होंने आई आउटलेट की शुरुआत की, और जो 30,000 से आउटलेट की शुरुआत की, वो उस आउटलेट को बढ़ाने के बजाय उनका धीरे धीरे स्टॉक कम होकर किसी का 15,000 हो गया, किसी का 20,000 हो गया, किसी का 10,000 हो गया है। तो कंपनी में भी सुविधा थी कि 1,000 का बिजनेस वैल्यूम, 1,000 का प्रोडक्ट लेकर के आप बिलिंग करवा सकते हैं। लेकिन कंपनी के द्वारा पिछले महीने एक निर्णय लिया गया कि इस महीने से, यानी जून के महीने से, यदि अगर आप 30,000 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो ही आप वहां पे अगला बिल करवा सकते हैं। जैसे आपके पास 30,000 का स्टोर लिया, आपने 5,000 का प्रोडक्ट भेज दिया है, तो 5,000 का प्रोडक्ट और लेकर के 30,000 का स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 2,000 का प्रोडक्ट किसी TD से जाके परचेज करें, तो आपको TD वाला नहीं देगा, आपको लेना पड़ेगा अपनी पर्सनल ID पे, पर्सनल सेल्फ कोड पे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपको इजाजत देती है, ठीक है दोस्त। तो अब ये सिस्टम इस महीने से लागू हो गया। अब इसमें से कई लोग हमारे पास आए जिनके पास 70,000-80,000 की पूंजी थी, IMC में 30,000-35,000-40,000 का स्टॉक रखा है, और एक व्यक्ति उनके पड़ोस में ही जिसके पास IMC के स्टॉक नहीं था, IMC के स्टॉक नहीं, दूसरे के पास स्टॉक है, पहले पास स्टॉक नहीं है, वो उनको डिस्टर्ब कर रहा था, कि भाई जिसके पास 1,00,000 का स्टॉक है और जिसके पास स्टॉक नहीं है, वो उनको डिस्टर्ब कैसे कर रहा था। अब बताइए, आपके पास स्टोर में प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप कैसे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो पता चला, गया TD के पास, ऑर्डर लिया, TD के पास गया और TD से अपने प्रोडक्ट लेके आया, अपने एसोसिएट के दिया, उस आउटलेट को प्रमोट नहीं करता था। तो अब क्या है कि जिनके पास स्टॉक होगा लोग उसको प्रमोट करेंगे, और जिसके पास स्टॉक नहीं होगा लोग उसे प्रमोट नहीं करेंगे। अब प्रमोट के बाद साथ साथ ये है कि जिनके पास स्टॉक नहीं होता है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पहली बात कि आप IMC में आए क्यों, एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आप IMC में आए क्यों। मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमने IMC की मैंने जब शुरुआत की थी, IMC की जब मैंने शुरुआत की थी 15 अगस्त 2014 को, और उस समय 1,25,000 रुपए में स्टोर मिलते थे, अब 1,25,000 में स्टोर मिलते थे, और मेरे पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे कि मैं स्टोर ले लूं। तो मैंने इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब चूंकि 1,25,000 मेरे पास था नहीं, मैं लगा नहीं, भाई था, कोई जमीन थोड़ी बेचना था, घर थोड़ी बेचना था, कैश नहीं थे हमारे पास। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 32,000 रुपये का प्रोडक्ट अपने सेल्फ कोड पर परचेज कर लिया। सेल्फ कोड पर परचेज करके मैं उसी प्रोडक्ट को रोटेट करता था। अब रोटेट करते करते अगले 1.5 से 2 महीने में वो पूंजी हमारी वो 60,000 में कन्वर्ट हो गई, और हमने 60,000 के स्टोर डाले। अगले 2 महीने बाद 60,000 डाला, 2 महीने बाद 60,000 का नहीं आउटलेट 60,000 में मिला, और उसके बाद फिर 3-4-5 महीना बीता जब मैं गोल्ड हो चुका था, तो मैंने क्या किया, चौथे-पांचवें महीने मैंने 1,25,000 रुपए के स्टोर डाले। यानी हमारी पूंजी भी ग्रोथ कर गई, हमारी पूंजी जो 32,000 लगाए थे वो 1,25,000 में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति था। काम करने वाला व्यक्ति का हमेशा ग्रोथ होता है। कल एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, मुझे फोन किया कि सर हमारा तो आज तक नहीं हुआ। अरे भाई साहब, आपका क्यों होगा, आपका नहीं होगा, आपका जो है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि आपने काम नहीं किया। आप कभी पॉजिटिव नहीं रहे, आपने बिजनेस को अभी, ज्यादातर लोग जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है वो मुझे क्या प्लान दिखा सकते हैं, मुझे वो प्लान भी ठीक से नहीं दिखा सकते, उनको प्लान ही नहीं पता। मैं पूछूं कि 90% का मुझे प्लान दिखा दीजिए कि 90% पैसा IMC कैसे बांटती है अपने बिजनेस वैल्यूम का, तो वो ही करके रह जाएंगे, कहीं जरा हमें नहीं पता, चाहिए पूरा पैसा, प्लान नहीं पता, ग्रोथ नहीं। तो फ्रेंड, ऐसे में हुआ क्या कि
हमारा व्यापार बढ़ा, हमने जिनके जिनके स्टोर मैंने खुलवाए वो सबके स्टोर ग्रोथ किया, जिसकी वजह से हमारे टीम में बहुत सारे अचीवर निकल के चले हैं। तो फ्रेंड आज फिर कंपनी ने वही पॉलिसी लागू किया है कि आपके पास प्रोडक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, जब प्रोडक्ट होता है तो आपको काम करने में मन लगता है। जरा सोचिए कि एक के दुकान में 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और एक के स्टोर में प्रोडक्ट नहीं है, मन किसका लगेगा? जब धन लगेगा तो मन लगेगा, जिसका धन ही नहीं लगेगा तो उसका मन कैसे लगेगा? अब जरा सोचिए, जिनका कुछ नहीं लगा है क्या लाइव में है वो? क्या आपने उनको कॉल किया होगा तो क्या वो बिजनेस में आए? जो सीरियस ही नहीं है बिजनेस को लेकर के, मैं ज्यादातर लोगों को देख रहा हूं, मैं नाम भी अगर मैं लूंगा तो ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूं कि जिनके स्टोर है, जिनकी पूंजी लगी है, जो सीरियस है बिजनेस को लेकर के, वो लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जिनका धन ही नहीं लगेगा तो उनका मन कैसे लगेगा, है ना? तो फ्रेंड ये कंपनी ने जो सुविधाएं दी है कि 30,000 का मिनिमम स्टॉक रख करके आप 10% का लाभ भी लेंगे और साथ में आपको ये जो स्टॉक है ये बिजनेस को ग्रोथ करने में आपका काम आएगा। अगर आपने स्टोर इसलिए लिया है कि हम लोगों से माल बेचेंगे, हम उससे पेट चलाएंगे, तो दोस्त मैं बता दूं, फिर से एक बार समझ लीजिए, IMC बिजनेस ये पेट चलाने के लिए नहीं आया है, ये पेट भरने के लिए नहीं आया है, ये पेटी भरने के लिए आया है, पेटी भरने के लिए। आज कितने लोग आपके आसपास में हैं जिनको एक ऐसी प्याउट दिखाई पड़ती है? आपके आसपास लोग होंगे। तो फ्रेंड आउटलेट एक जरिया बनाइए नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए कि हम प्रोडक्ट, जैसे आउटलेट से क्या होता है, स्टॉक जब रहता है तो हमारा कद बड़ा होता है, हमारी इमेज बड़ी होती है। मैं आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा मैं बता दूं कि जब लोग हमें शुरू में पूछते थे, डीएन सिंह जी आप श्री तुलसी के बारे में बता रहे हो, ये क्या ऐसा फालतू काम करने लगे? मैं कह नहीं फालतू काम नहीं, मैंने एजेंसी लिया भाई, ये आयुर्वेदिक इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, एक ब्रांडेड कंपनी है, जैसे हिमालया, बैजनाथ, डाबर, झंडू, इस तरह की जो कंपनी होती है, ऐसे ही ये कंपनी है जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है और 100% आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है और मैंने इसकी फ्रेंचाइजीज भी ली है। आपको क्या लगता है बल्ब का कारोबार करके मेरा पेट चल रहा है? आप तो जान ही रहे कि आजकल बिजनेस ठप हो चुका है, तो मैंने ये काम लिया है, बहुत बढ़िया काम है। तो लोग विश्वास करते भी, कहते हैं नहीं नहीं अच्छा है। जब देखिए सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित तभी होगा जब उन्हें कोई व्यापार दिखाएंगे, उन्हें कारोबार बताएंगे कि मैंने ये कारोबार किया है। दुनिया में कभी भी किसी भी कारोबारी पे कोई हंसा नहीं, भले उसने फुटपाथ पे चप्पल बेचे, मैंने भी बेची, लेकिन किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैंने चश्मे बेचे, मेरा किसी ने मजाक नहीं, मैंने फुटपाथ पे स्टीकर बेचता था ट्रक में लगाने वाला, तो मेरा किसी ने मजाक, क्योंकि मैंने व्यापार किया, मैंने व्यापार किया भाई, हमने प्रोडक्ट बेचे और मुझे उसके बदले प्रॉफिट मिले, तो व्यापार किया, इसकी वजह से किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन अगर आप बिना प्रोडक्ट के जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपके अपने ही लोग, यार, परिवार, रिश्तेदार यही मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे यार क्या चक्कर में पड़ गए यार, कौन कौन है, किसके बहकाने फंस गए? कहने डीएन सिंह, अरे मैं डीएन सिंह को जानता हूँ, अच्छा उनके बहकाने फंस गए। अरे फ्रेंड फंस नहीं गए, फंसे तो वो हैं, आप एक जगह फंसे हैं और वो कई जगह फंसे हैं, वो लक्स में फंसे हैं, वो लाइफ बॉय में फंसे हैं, वो रेक्सोना में फंसे हैं, वो पेप्सोडेंट में फंसे हैं, वो कॉलगेट में फंसे हैं, वो टाटा में फंसे हैं, वो बाटा में फंसे हैं, वो अलग अलग ब्रांड में फंसे हैं और हम एक जगह फंसे हैं। बताइए जो एक जगह फंसे और जो कई जगह फंसे, करेक्टर किसका अच्छा होगा? एक जगह वालों का, हमारी इज्जत बनती है। शादी हुई एक जगह फंसा, जरा सोचिए जो 10 जगह फंसता है उसका क्या इमेज होती है? फ्रेंड समझिए, है ना, कभी दिल्ली कर रहा है, कभी बॉम्बे कर रहा है, कभी इलाहाबाद कर रहा है, सोचिए, बात समझ आ रही है हमारी बात? तो फ्रेंड एक जगह, एक ब्रांड, IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। हंसी आती होगी आपको कि सर क्या बता रहे हैं, तो सही है। तो फ्रेंड आप ऐसे लोगों से बताएंगे तो आपकी इमेज बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा। क्लियर हुआ दोस्त? तो अब कई लोग कॉल कर रहे हैं, सर हमारा तो 20,000 का स्टॉक है, अब 10,000 का पैसा कहां से लाऊं? अभी हाथ पैर आपका टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ईश्वर ना करे आपको खरोच आए, फिर पैसा कहां से आएगा? क्या जब खेत में जब
धान की खेती हो जाएगी, गेहूं की जाएगी, तब आप प्लास्टर बनवाएंगे, तब पैसा कहां से आएगा? अरे वहां पे एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो आप पैसे की व्यवस्था करेंगे? यहां हमारा जीवन फ्रैक्चर है, आपका नेटवर्क फ्रैक्चर है, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है प्रोडक्ट ना होने की वजह से, लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है। अभी जाकर के हिंदुस्तान के अभी हजारों की संख्या में करीब 12 से 14 15 हजार लोग अभी हरिद्वार गए थे, वहां कंपनी का वेयरहाउस देख करके आए, कहा अरे बाप रे यहां तो इतने प्रोडक्ट हैं, इतने प्रोडक्ट यहां पे है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों से बताते हैं कि प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, आप रखते नहीं हो, प्रोडक्ट है मेरे टीडी पे। मैंने जो 32,000 के जो मेरे प्रोडक्ट थे, ये पूंजी बढ़ते 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 ये 7 सालों में ये 20 लाख प्लस का स्टॉक मेरे पास हो चुका है। 32,000 का प्रोडक्ट ये प्लस हो चुका है, क्योंकि मैं हमारे यहाँ कई वर्कर्स हैं, कई लोग काम करते हैं, कई हमारे स्टाफ हैं, सबको पता है कि मैं अपने इस कारोबार का पैसा हाथ में नहीं छूता, मैं अपनी कमाई का पैसा खाता हूं। और वो पूंजी हमारी बढ़ती चली गई, हमारे यहाँ टीडी पे बहुत बड़ी पूंजी है, हमारे पास एक बड़ा स्टॉक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं रोटेट करता गया, सारी प्रॉफिट उसी के अंदर, प्रॉफिट प्रोडक्ट। मैंने अगर कोई प्रोडक्ट घर के लिए भी लिया तो मैंने उसके पेमेंट किए, मैंने बिल कटवाया, मैंने उसके पेमेंट किए और पैसा उन्हें दिया, उन्होंने बैंक में डाला। मैं प्रोप्राइटर जरूर हूं, लेकिन मैं उस दुकान के लिए, मैं अपने स्टोर के लिए मैं एक ग्राहक हूं। तो फ्रेंड कई लोगों का कॉल आया तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा कंपनी से बताइए। देखिए कंपनी जो करती है ना फ्रेंड, इतनी बड़ी कंपनी है जिनके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों एसोसिएट्स हैं, लाखों लोगों का स्टाफ है, हजारों लोगों का स्टाफ है, फ्रेंड जरा सोचिए वो गलत नहीं सोचेगी। और जहाँ तक की बात जाती है, आदरणीय अशोक भाटिया जी जो इस कंपनी के रचयिता है, उनका नाम आया है तो मुझे लगता है कि एक क्लैपिंग होनी चाहिए। और इस कंपनी के MD मिस्टर सत्यन भाटिया जी बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं। मैं सच बताऊं, मैं कंपनी से नहीं जुड़ा था, मैं IMC से नहीं जुड़ा था। मैं बताऊं, जब मेरा 25% का मेरा लेवल था और जब मैं हरिद्वार गया था तो ये आदरणीय अशोक भाटिया जी से मैं जुड़ा था, मैं सत्यन भाटिया से जुड़ा था। जुड़ने का मतलब है कि मैं इनसे प्रभावित हो गया। बहुत ही हम्बल ऐसे इंसान हैं कि मैं कभी इनको, एक बार मेरे अंदर मुझे गुस्सा आ जाता है लेकिन इनके अंदर गुस्सा नहीं आता, हर बात को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से लेते हैं, हर एक एसोसिएट से कोई प्राउड नहीं है। फ्रेंड मैं उनसे जुड़ा था और इसलिए मैं जुड़ा रहूंगा, जीवन भर जुड़ा रहूंगा। मैं IMC के प्रोडक्ट से नहीं जुड़ा, मैं उस MD से जुड़ा जिनका इतना बड़ा सोच। तो फ्रेंड वो गलत हमारे लिए नहीं सोचेंगे। आप पैसे की व्यवस्था कीजिए, अपना स्टॉक मेंटेन करिए, और नहीं मेंटेन कर सकते तो फ्रेंड आप टोटल बिल आप काट दीजिए या धीरे धीरे से बेच दीजिए, और किसी दूसरे को जिनके पास पूंजी है उनको आप स्टोर खुलवाइए। स्टोर की जरूरत है, अपने नेटवर्क में, अपने डाउनलाइन में स्टोर की संख्या बढ़ाइए। अभी हमारे पास एक ऐसा सुपरस्टार है, मुझे बहुत गर्व होता है ऐसे सुपरस्टार पे, जो पिछले 4 महीना पहले बिजनेस में जुड़ा, 5 महीना पहले जुड़ा था IMC में सुपरस्टार बनने के बाद, अभी इस महीने में उसने 6 स्टोर ओपन किए हैं, 6 स्टोर ओपन किए हैं, जबकि एक सुपरस्टार के लिए कोई ऑफर नहीं है। मैंने कहा आपने तो बहुत ताकत लगा दिया, हमने सोचा शायद किसी ने कंफ्यूज किया हो कि हमें भी कहीं तो गोवा नहीं जाना है। तो उसने बहुत होशियार एसोसिएट है, कहता है सर मैं भी DN सिंह जी का चेला हूं, हर काम फायदे के लिए नहीं की जाती, इसका फायदा मुझे बाद में मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला? कई सर लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अपने डाउन में स्टोर नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए खोला क्योंकि आप सर क्राउन प्रेसिडेंट जो बने हैं ना, IMC के स्टोर के बल पे ही बने। आपने अपने टीम में इतना स्टोर खुलवाया जिससे टर्नओवर क्रिएट हुआ, और जब टर्नओवर जब हुआ तो वैल्यूम क्रिएट हुआ, जब वैल्यूम क्रिएट हुए तो हमारा आपका लेवल क्रिएट हुआ, जब लेवल क्रिएट हुआ तो आपको पिन मिली, और ये पिन जो आज आपके पास है, यही पिन पे मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी आपका चेला हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमका यार सुनते कहा हूँ मुझे, कहीं सर मैं आपका कभी भी प्रोग्राम नहीं छोड़ता हूँ, और दिन में 1 बजे चाहे किसी भी लीडर का प्रोग्राम आए, क्योंकि कोई आपके जितने भी लीडर्स हैं ना, जो लोग पेज पे आते हैं वो साधारण इंसान नहीं है, उन लोगों ने काम करके, क्योंकि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति वो टिकेगा वही जो काम करेगा, वही अचीवर बनेगा जो काम करेगा, जो काम ना करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, और हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति भी गायब हो जाएगा, आपके साथ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको रीड कर चुका हूँ। और सर आप
आपकी भी एज है तो मैं भी, मेरी भी एज है, मेरी भी एज 38 साल है और मैंने कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैंने किया है, लेकिन सर मैंने IMC में, मैं आपसे जुड़ा हूँ, IMC के प्रोडक्ट से जुड़ा हूँ, IMC की कंपनी से जुड़ा हूँ। और लोग तो फ्रेंड जरा सोचिए, एक सुपरस्टार की जो सोच है स्टोर ओपन कराने की, क्योंकि उनको पता है कि अगर सैक्रो स्टोर हमारे टीम में खुल गए तो हमारा वैल्यूम बढ़ने लगेगा और हम अचीवर जल्दी बन जाएंगे। तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने टीम में स्टोर डलवाइए। हर काम फायदे के लिए नहीं की जाती, हर काम फायदे के लिए नहीं की जाती, लेकिन हर काम में हमारा फायदा छुपा होता है, वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। माँ जब बचपन में जब वो थप्पड़ लगाती है, गाल पे जब वो थप्पड़ मारती है, तो उस समय तो हमें तकलीफ होती है कि हमारी माँ ने हमें थप्पड़ लगाया, लेकिन हमारा उसमें फायदा होता है, वो थप्पड़ में भी फायदा होता है। जब आपका कोई अप्लायंस इस काम को, गलत काम को करने के लिए आपको मना करता है, तो तुरंत नहीं समझ में आता है कि इसका फायदा क्या है, लेकिन इसका फायदा तब पता चलता है जब आपको फायदा मिल जाता है। फ्रेंड अपना समय को बर्बाद मत कीजिए। इस अगर आप IMC में आप आए हैं तो फ्रेंड जरा सोचिए कि आपके परिवार के लोग अगर कहीं मेरा वीडियो देखते होंगे, आपके फैमिली के लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, तो कई बार वो आकलन कर लेते होंगे कि मेरा भी बेटा ऐसे ही होगा, आपकी बहन सोचती होगी कि मेरा भाई भी ऐसे ही बनेगा, एक दिन ऐसे ही अचीवर बनेगा, आपके पत्नी सोचती होगी कि हमारा भी हस्बैंड एक दिन इतना ही अच्छा अचीवर बनेगा, आपके रिश्तेदार सोचते होंगे कि ऐसे ही हमारा ये रिश्तेदार है ये भी अचीवर बनेगा। जरा सोचिए दोस्त, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप कितनी गलतियां कर रहे हो। देखिए मैं आपको, मैं जो बातें मैं करता हूं दोस्त, आपको सब पता है क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता जो मैं बाप को बता रहा हूं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मैं बताऊं कुछ लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देखता हूं साला ये बढ़ता कैसे, वो आपका परिवार फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अगर आपके परिवार के लोग किसी ने ये कहा होगा कि एक दिन चिड़िया उड़े जितना आकाश, चारा है धरती के पास, जितना बेटा उड़ना है उड़ लो, देखते हैं DN सिंह तुम्हारी कितनी मदद करते हैं, एक दिन तुम्हारा हमारे पास भाग के आओगे, तो आपका परिवार भी इंतजार कर रहा है आपका फेल होने का। उनको भी अपनी बातें सत्य करनी है, उनको भी अपनी बातें, वो आपका दोस्त जिसने कभी खराब कहा होगा IMC को और उसने कहा होगा कि देखो एक दिन थक हार के बैठ जाओगे, उन्हें भी अपनी बातें, बात को सत्य करनी है, वो भी अपनी प्लानिंग बैठे हैं। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या अपने वो परिवार जो फैमिली के मेंबर जो आपके बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, दोस्त मैं कड़वा सत्य बोलता हूं, अगर आपका परिवार आपका बिजनेस में सपोर्ट करता है, आपसे प्यार करता है, आपके बिजनेस से उसको प्यार है, तो वो घर में टिकने नहीं देना चाहिए, उसको टिकने नहीं देना चाहिए। जैसे ही वो 8 बजे वो कह दे कि क्या अभी आज आपकी मीटिंग नहीं है बेटा, आप घर से निकलोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, आपके अगर फैमिली के लोग, आपके फैमिली मेंबर अगर आपको IMC करते हुए अगर वो आपको घर में बैठे हुए देख रहे हैं, तो दोस्त आपके शुभचिंतक नहीं है, उनको अपनी बात सत्य करनी है, उनको अपनी बात सत्य करनी है कि मैंने तो कहा ही था कि एक न एक दिन थक हार के बैठ जाओगे। फ्रेंड आप क्या करना चाहते हो, उनकी बात सत्य कराना चाहते हो? फ्रेंड आप, मैं बताऊं ये जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी वीडियो रहेगी, अगर आपके फैमिली के लोग, आप IMC कर रहे हो और आपके परिवार के लोग, आपके वो लोग फैमिली मेंबर्स अगर आपको घर में लगातार देख रहे हैं, तो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर आप, मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने घर के अंदर जब मैं हूं अब मैं रहता हूं, तो वाइफ कहती है क्या आप आज बड़ा देर हो गया, मतलब क्या कोई मीटिंग नहीं है? हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि आप अभी तक आप घर से निकले नहीं, अभी तक आपको निकलना चाहिए, आपकी टीम आपके इंतजार कर रही होगी। फ्रेंड जिनके फैमिली मेंबर सुन रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें, आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका मोरल बढ़ाएं। अरे आपकी बात ईश्वर करे झूठ हो जाए कि आपके बच्चे फेल ना हो, आपके बच्चे क्राउन प्रेसिडेंट बने,
क्योंकि आपकी बात सत होने में उनकी जिंदगी में तकलीफें हैं, दुर्गत है, दुर्गति है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, गरीबी है, लेकिन अगर हमारी बात सत होती है तो उसमें खुशियां हैं, हमारी बात सत होती है तो उसमें खुशियां हैं। उस जीवन जरा सोचिए फ्रेंड, आज मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आप, आपके लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, मैं सारे हिंदुस्तान के उस गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं, उस पेरेंट से कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी अगर आईएमसी बिजनेस को अगर कर रहा है तो उनका आप सपोर्ट करें, वो आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने से बेहतरीन लाइफ आईएमसी करने वालों की लाइफ होती है। नहीं तो कोई मेरे सामने बैठे, एक अधिकारी हमारे सामने बैठे थे, हमारी उनकी बात हो रही थी, वो जीएम पद पे हैं, रेलवे में जीएम के पद पे हैं, और मैंने जब हमारी उनसे बात हुई, मैंने अपने हमारे प्रोफाइल को जब उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहते हैं उन्होंने हाथ मिलाया, सलूट किया, उन्होंने कहा कि डीएन सिंह जी आप जो कर रहे हो ये दुनिया का सबसे बेहतर काम है, क्योंकि मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो अपनी सब्जी अपने से ढोता हुआ नजर आऊंगा, मैं जीएम हमारी कुर्सी होगी, मैं जीएम नहीं रहूंगा, एक आम इंसान रहूंगा, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, लेकिन हर जगह आपकी वही वैल्यू रहेगी कि जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो 25-50-100 लोग आपको रिसीव करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, आपका वही मान सम्मान रहेगा। फ्रेंड, सच हो जाने दीजिए, अपने बच्चों को कामयाब हो जाने दीजिए, आप कामयाब होने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, अगर वो कामयाब होंगे उनके पास पैसा आएगा, उनके पास दौलत आएगी, उसका सुख आप ही भोगने वाले हैं, हमारी कमाई का पैसा हमारे परिवार के लोग ही उसका सुख भोगेंगे, पड़ोसी नहीं भोगेगा। फ्रेंड, याद रहे तो फ्रेंड मैं थोड़ा इसके अंदर, क्योंकि मैं अक्सर मैं फील्ड से देखता हूं, हमारे पास समस्याएं फील्ड से आती है, सर हमारे गार्जियंस ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो फ्रेंड जो स्टोर है उस स्टोर का स्टॉक आप मेंटेन करें, आप पल भर के लिए मत सोचे, वो गाना छोड़ दीजिए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे झूठा ही सही, फ्रेंड इसको छोड़िए, ये गाना किसी ने गाया होगा, ये इस पे छोड़िए, पल भर के लिए मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे प्यार जीवन भर के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। कामयाबी से प्यार कीजिए दोस्त, आप सफल होंगे। जरा सोचिए, आज अगर हमारे टीम में आज सैकड़ों चेयरमैन है, मुझे बताते हुए कितनी खुशी होती है, जब ये हजारों होंगे तो कितनी खुशी होगी, आज 3 क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम में है, कितनी खुशी होती है, और वो बताते हुए जब 20 क्राउन प्रेसिडेंट होंगे वो कितनी खुशी होगी, उसमें तो आप भी क्राउन प्रेसिडेंट होंगे। फ्रेंड, जितने भी स्टोर जिनके स्टॉक कम हो गए हैं, पैसे की व्यवस्था कीजिए, स्टॉक को मेंटेन करिए, और अगर आपको कुछ और समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, बात करिए, आपके गार्जियन अगर नहीं सुनते हैं तो आप मेरे से बात कराइए। कई लोगों को मैंने ठीक किया है। फ्रेंड, आपके गार्जियन को पता है टीचर बनने से लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने से घर में पैसा आता है, उनको थोड़ी पता है कि अगर 3 से 5 साल अगर ईमानदारी से काम कर लिया तो लाखों रुपए की रॉयल्टी आ सकती है, लाखों रुपए की रॉयल्टी आ सकती है। हमारे जो भी हमारे आईएमसी के एसोसिएट जो काम कर रहे हैं, जो शादीशुदा है, मैं उनकी पत्नी से कहना चाहता हूं, उनकी वाइफ से कहना चाहता हूं कि अपने हस्बैंड को प्रेरित करें, अपने हस्बैंड को प्रेरित करें, अगर आप प्रेरित करेंगे उनका मोरल, उनका मनोबल बढ़ेगा, जब मनोबल बढ़ेगा आप उनसे यही कहें कि आपको भी क्राउन प्रेसिडेंट बनना है डीएन सिंह जी जैसा। अगर घर में बच्चे हैं तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा कि आप अपने पापा को आप प्रेरित करें कि पापा आपको भी क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। वो जो प्रोडक्ट घर में बताते हैं उस प्रोडक्टों को भी आप यूज करें, जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप घर में भी कभी नाटक नखरा मत करें। एक बार शुरू में हमने येलो क्रीम अपनी वाइफ को मैंने दिया था, वाइफ हमारी बोली कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, मेरा जवाब था कि तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। फ्रेंड, तुम भी मुझे पसंद नहीं हो, सोचिए कि जो क्रीम
हमारे जिंदगी में चार चांद लगा सकता है, उससे अच्छा दूसरा क्रीम कैसे हो सकता है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो इस्तेमाल करेंगे। और आज हमारे घर में लवली नहीं आती, लवली तो बबली के घर में आती है। बस समझ आ रही सर? तो फ्रेंड ये रहा स्टोर पे हमारा मैटर। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आपको, तो खूब ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम में स्टोर खुलवाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टोर खुलवाएं, इतना स्टोर खुलवाएं कि आदमी जहां पे भी मुड़े तो उसको स्टोर नजर आए। आप देखते हैं आपके आसपास में कितना बढ़िया की दुकान होता है। कोलगेट इसलिए नहीं बिकता कि कोलगेट के अंदर क्वालिटी है, कोलगेट इसलिए बिकता कि हर जगह दिखता है, हर जगह दिखता है, वो इसलिए बिकता है। कोका कोला इसलिए नहीं बिकता कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसके पीने से हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है, वो इसलिए बिकता है कि हर जगह दिखता है, हर जगह दिखता है। तो आईएमसी के प्रोडक्ट हर जगह दिखने चाहिए। आप जहां जिस शहर में हैं, आप अपने आसपास आपका लेवल मत देखिए कि आप 10% पे हैं तो 10 स्टोर ओपन कराइए, आप 15% पे हैं तो 15 स्टोर ओपन कराइए, देखिए कैसे लेवल आपका बढ़ता है। सर हमें कोई टिप्स दे दीजिए, हम भी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कौन सा टिप्स दे दे, कौन सा टिप्स दे दे? नहीं सर हम तो अभी तो 10% में हैं, हम क्यों खोले, जुड़े क्यों आप? सिर्फ डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे पेज पे बातें सुनने के लिए? क्या सुन सुन के करेंगे भी तो क्या करेंगे, है? क्या करेंगे सुन करके? स्टोर डालिए, स्टोर अपने ग्रुप में स्टोर डालिए, और स्टोर इस महीने में डालिए, इस महीने में स्टोर कीजिए। आज मेरा वीडियो आपको जहां से समझ में आया वहीं से कटिंग करके आज वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस महीने में स्टोर ज्यादा ओपन होने चाहिए, क्योंकि अभी स्टोर की संख्या इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है कि अभी अगर आप स्टोर ओपन करते हैं घंटे बाद देखेंगे तो 10 स्टोर बढ़ जाते हैं, इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। क्योंकि हो सकता है परवेज खान जी कि कहीं अगले महीने से कंपनी स्टोर देना बंद ना कर दे। आशीष शर्मा जी ये भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के मैं बहुत करीब हूं, कंपनी हो सकता है कि सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही रखे 2 लाख में, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आप लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं। क्योंकि आईएमसी के जो टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं ना, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट और सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, ये बहुत ही सीधे हैं, ये अपनी बात को हंस बोल करके और ये मनवा लेते हैं कंपनी से फ्रेंड। लेकिन कहीं ना ऐसा हो जाए कि अगले महीने से स्टोर ओपन होना बंद हो जाए, तो आप तुरंत जाकर के किसी टीडी पे जाइए और 10,000 उनको पकड़ाइए कि सर ये पकड़िए 10,000, मेरा स्टोर ओपन कीजिए और मैं 2-3 दिन के अंदर पैसे की व्यवस्था करके, और मुझे भी आईएमसी के स्टोर मुझे करना है, मैं 20,000 की व्यवस्था करता हूं, और काम शुरू कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। आपको पता होगा 6 महीना तक आउटलेट बंद किया गया था, लोग परेशान हो गए थे, और ये इस महीने का जो ऑफर है स्टोर का, मैं आपको दिल से मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड, स्टोर ओपन कराइए, इसमें चुकिए मत। और मैं बताऊं, जो लोग स्टोर खोलते हैं, एक मंत्र मैं और देता हूं, जो लोग स्टोर खोल रहे हैं, रनिंग प्रोडक्ट पे काम कीजिए, रनिंग प्रोडक्ट पे, सारा प्रोडक्ट थोपिए मत। अगर 30,000 का स्टोर है तो उसके अंदर नाइट पावर टैबलेट रखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ज्यादातर आप FMCG का प्रोडक्ट रखें, डेली नीड का प्रोडक्ट रखें, आप राइसिन ऑयल रखें, 3 से 4 पेटी 5 पेटी राइसिन ऑयल रखें, 3-4 पेटी, उसके अंदर चाय पत्ती रखें, उसके अंदर डेंटल क्रीम रखें, रनिंग प्रोडक्ट पे काम करें। कई लोग स्टोर खुलवाते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिलवा देते हैं उनको कि वो प्रोडक्ट अगले आदमी के पास कहता है सर बिके तो हम मंगवाएं, ऐसा नहीं, रनिंग प्रोडक्ट पे काम करिए, डेली नीड के प्रोडक्ट पे काम करिए, क्योंकि फायदा नंबर एक कि वो तेजी से बिकेगा, और फायदा नंबर दो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैसा आपका बाजार में जाता है वो आईएमसी में जाएगा, आपका वैल्यूम क्रिएट होगा। आप 30,000 के प्रोडक्ट में 10 से 15 प्रोडक्ट आप रखें, 10 से 15 प्रोडक्ट पे काम करें। आपको पता है आईएमसी की जो चाय पत्ती है, जो लोग चाय का नॉलेज रखते हैं अगर उनको चाय दिखला दीजिए तो उनको ताज्जुब होता है कि अरे आपकी कंपनी इतना सस्ती चाय कैसे देती है, इतनी सस्ती चाय कैसे देती है दोस्त, 250 ग्राम चाय पत्ती है प्रीमियम और 110 रुपए की,
इस क्वालिटी की चाय बाजार के अंदर 190 के ऊपर है रेट। वो चाहे ताजमहल हो, चाहे वो ब्रुक बांड हो, प्रीमियम चाय महंगी होती है, लेकिन IMC सस्ती दे रही। क्यों? क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई CNA पर नहीं है। फ्रेंड, चाय पत्ती तो रनिंग प्रोडक्ट पे काम कीजिए। कभी भी प्रोडक्ट को किसी को, अगर आप में से जो लोग अपने टीम में जो खुलवा रहे हैं, वो रनिंग प्रोडक्ट पे खुलवाइए, ताकि उनको प्रोडक्ट निकालने में बहुत आसान रहेगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि पहले हम घर के जरूरत का सामान लें। मैं एक स्टोर पे गया, उसके पास सब कुछ था, ऑयल नहीं था, सब कुछ था, डेंटल क्रीम नहीं थी, उनके पास चाय पत्ती नहीं थे। कहीं सर हमारे अपलाइन ने ये दवाई दिलवा दिया है, सारे टैबलेट हमारे पास है। सर ये नाइट पावर टैबलेट किस काम में आता है? सर ये तो बिकता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। वो भी बिकता है, लेकिन बेचने वाला व्यक्ति चाहिए, बताने वाला व्यक्ति चाहिए। तो फ्रेंड, रनिंग प्रोडक्ट से आप खुलवाएं। अब थोड़ा सा आते हैं, हमारे पास समय 10 मिनट बचा हुआ है, और 10 मिनट में एक सर्विसिंग और है, जो गाड़ी आपकी डैमेज हो रही है। फ्रेंड, ज़्यादातर लोग, मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी का जब मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं कई लोगों को देख पा रहा हूँ जिनका बिजनेस कभी बहुत बड़ा हुआ करता था। मैं किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, और बिजनेस बड़ा हुआ करता था, आज उनका बिजनेस कई लोगों का, किसी का तो बड़ा है और किसी का कम हुआ है। तो जिनका कम हुआ है, ये लोग मैसेज सुने, ये कम हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, आपकी जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। तो ये कारण, जो निष्कर्ष जो निकल के आया है, आपके टीम को सर्वे करने के बाद, आपके टीम के अंदर समीक्षा करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है कि वहां पे पूरी टीम अपलाइन के बारे में गलत बातें करती है। अपलाइन का एडिफिकेशन ना करके, अपलाइन का प्रमोशन ना करके, लोग एक दूसरे के बारे में गलत बातें करते हैं। और अप्लाइन से लोग क्या क्या गलत बातें करते हैं, पहली बात कि आदमी क्या क्या सोच रहा है जिसके कारण ग्रोथ रुका हुआ है। पहला वो सोचता है कि अप्लाइन से दूर करना, क्योंकि अप्लाइन से जब हम दूर करेंगे, हमारे भी टीम इलाहाबाद में भी हमारे कई टीम है, जिसमें से कई टीम ऐसे भी हैं जो वो कुछ भी करेंगे लेकिन अप्लाइन को जानकारी नहीं देंगे, वो अप्लाइन से अपने लोगों से नहीं मिलवाएंगे। कई जगह है, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट कई, हमारे राजेश गुप्ता जी भी बताते हैं कि सर हमारे टीम में भी ऐसे लोग हैं कि कभी भी मिलवाते नहीं है। तो पता ये चलता है कि पहला तो अप्लाइन से दूर रखना चाहते हैं, और दूसरा वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं कि जैसी वैल्यू आज DN सर की है, आज हमारे क्राउन प्रेसिडेंटों की है, वैसे ही वैल्यू हमारी आपकी भी वैल्यू होगी। लेकिन आप भी तो क्राउन प्रेसिडेंट बनो ना। लेकिन अभी आपने तो जमीन पकड़ा हुआ है, हैं? आप चाहते हो कि जो सम्मान मुझे मिलता है वही सम्मान आपको मिलने लगे। आप जिधर से गुजरो, आपको लोग रोक करके आपको 5 स्टार